हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विप्रो के ऑनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर। उससे पहले हम बात करने वाले हैं वैसे स्टूडेंट जिनकी ऑनबोर्डिंग हो चुकी है 23 मार्च को और जिनकी ज्वाइनिंग यानी ट्रेनिंग लोकेशन की जो अपडेट है वो आ चुकी है और उनको जो है ट्रेनिंग लोकेशन पर रिपोर्ट करना है ऑन 30 मार्च 2023। जैसा आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं तो ये आपका ट्रेनिंग डेट होगा 30 मार्च 2023। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑफिस लोकेशन पे जाके रिपोर्ट करना है। ये रिपोर्टिंग कैसे करना है, क्या करना है और कितने बजे करनी है, ये सारी चीज़ें का डिटेल्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे आपको अपने मेल में भी मिल गया होगा कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है, लेकिन वैसे स्टूडेंट जिनको अब तक ये मेल नहीं मिला है कि कब रिपोर्टिंग करनी है, टाइमिंग क्या होगा, साथ में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लाने हैं, इन सारे चीज़ों के बारे में, तो उनको भी मेल बहुत जल्द मिल जाएगा। बाद बाकी इस वीडियो में मैं आपको उन सारी चीज़ें के बारे में बताऊंगी जो कि डॉक्यूमेंट आपको एसेंशियल होगी रिपोर्टिंग करने के लिए ऑफिस में। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि ईमेल आप सबको मिला होगा उस मेल के ऊपर जिसमें इन्होंने क्या मिला है, क्या लिखा है। इसमें इन्होंने लिखा है कि यू मे बी रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू ऑफिस फॉर ट्रेनिंग ऑन और आफ्टर योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग, द डिटेल्स विच विल बी कम्युनिकेटेड टू यू रजिस्टर्ड ईमेल आई डी विद प्रूफ ऑन वर्चुअल ऑनबोर्डिंग सेशन। ठीक है, द पोस्टिंग लोकेशन विल बी भुवनेश्वर। बहुत लोगों का भुवनेश्वर और चेन्नई आया है। द पोस्टिंग लोकेशन इज सब्जेक्ट टू चेंज बेसिस रिक्वायरमेंट, वी विल कम्युनिकेट टू यू इन केस ऑफ एनी रिपोर्टिंग चेंज लोकेशन। प्लीज नोट दैट यू जर्नी लोकेशन लोकेटेड बेस्ड ऑन बिजनेस रिक्वायरमेंट और एनी रिक्वेस्ट लोकेशन विच हैज नॉट बीन एंटरटेन। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको मेल में मिल गई होगी। कुछ लोगों का भुवनेश्वर आया है ज्वाइनिंग लोकेशन, तो कुछ लोगों का चेन्नई, कोयम्बटूर भी, कोलकाता भी है, बैंगलोर भी, जो भी है लोकेशन ये आपके ऊपर डिपेंड कर जाता है। और ये जो लोकेशन अभी दिया गया है एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट इन्होंने लिखा है, एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट इन्होंने लिखा है, तो बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे दिया गया है। किसी भी प्रकार की चेंजिंग होती है या कुछ भी होती है तो आपको एक दिन पहले या दो दिन पहले जो है आपको रिपोर्ट कर दिया जाएगा। बाद में किया 28 हो गया है, 30 को रिपोर्ट करनी है आपको, तो आई थिंक अब आपका चेंज नहीं होने वाला है, जो दिया गया है उस पर रिपोर्ट आपको करना है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे बात करेंगे रिपोर्टिंग टू ऑफिस, ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या क्या चीज़ चाहिए। पहले बात तो यहाँ हम पहले आपको लिख देते हैं रिपोर्ट टू ऑफिस, ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए। देखिए रिपोर्टिंग का टाइम जो है जनरली उन्होंने जो आपको दिया होगा 8:30 दिया होगा, 8:30, क्योंकि जनरल शिफ्ट इनका यही 8:30 से शुरू होता है, 8:30 AM। कई लोगों का अलग भी हो सकता है लेकिन मैं जनरल ले रहा हूँ जो चलती है इनकी शिफ्ट। 8:30 टाइम ये इन्होंने दे रखा है रिपोर्ट टू ऑफिस, लेकिन आपको क्या करना है ना 8 AM पहुँच जाना है, ये लेटेस्ट जो है आपको 8:20 तक पहुँच जाना है। एक्चुअली ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब आप ऑफिस रिपोर्ट करने होंगे तो आपकी बहुत सारे जो है वेरीफिकेशन होगी, वेरीफिकेशन प्रोसेस में तो थोड़ा टाइम लगेगा, वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा, आईडी कार्ड बनेगा, आईडी कार्ड इशू होगा, लैपटॉप का शिपमेंट वाला चीज़ होगा आपके साथ, तो इन सारी चीज़ों की ध्यान रखी जाएगी। तो जब आपको रिपोर्ट करना होगा तो उससे पहले रिपोर्ट कीजिएगा नहीं, 8:30 बहुत सारे चीज़ें होने वाली है और 8:30 टाइम दिया गया तो 8:30 में सारे लोग पहुँचेंगे, लेकिन 8 बजे आपको पहुँच जाना है वहाँ पर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि रिपोर्ट करने से पहले वैसे डॉक्यूमेंट जो आपको एसेंशियल है ले जाना वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहां पे ले जाना है। सबसे पहले जो आपका डॉक्यूमेंट चलेगा वहां पे जो कि बहुत ही इसेंशियल है, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो हो सकता है कि आपको गेट में एंट्री नहीं दिया जा सकता है। तो ये पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है विप्रो ऑफर लेटर। देखिए विप्रो का जो ऑफर लेटर है आप सबको भेजा गया होगा, ये ऑफर लेटर आपके पास होनी चाहिए। यदि नहीं है और आपने सेव नहीं किया है तो इसका जो है आपको पहले ही मेल करके बताना होगा, या ये तो एक क्लिकेबल होता है, जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में आपको बता रखा है कि ये वन क्लिकेबल होता है, इसमें आपको सेव कर लेना है। इसका एक हार्ड कॉपी आपको वहां पर लेके जाना है, हार्ड कॉपी लेके जाना है, क्योंकि आप ऐसे पता चलेगा कि विप्रो का ऑफर लेटर आपके पास है, ऐसे अननोन पर्सन को तो एंट्री नहीं दिया जा सकता है, इसलिए इसका हार्ड कॉपी आपके पास होनी ज़रूरी है। यदि नहीं है तो आप रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। तो विप्रो का ऑफर लेटर का हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला डॉक्यूमेंट यही है।
दूसरा डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो डॉक्यूमेंट है, दूसरा जो है हमारे पास आईडी कार्ड है। आईडी कार्ड, आईडी कार्ड कहने का मतलब है इसमें आपका गवर्नमेंट प्रूफ कुछ भी चाहिए। गवर्नमेंट प्रूफ के तौर पे आपको जो चीजें ले जानी है, उसमें से पहला जो आपका होगा वो आधार कार्ड है। आधार कार्ड, दूसरा जो चल सकता है वो आपका पैन कार्ड। इन दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, जो कि आधार कार्ड हो या पैन कार्ड हो, इन दोनों में से कोई एक चीज तो होना जरूरी है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका जो है ना आइडेंटिटी प्रूफ को चेक किया जाएगा। आइडेंटिटी प्रूफ को चेक किया जाएगा कि आप वैलिड पर्सन है या नहीं है। आईडी प्रूफ, इसलिए आईडी प्रूफ बोल सकते हैं। आईडी प्रूफ को चेक किया जाएगा कि आप वैलिड लोग हैं या नहीं है। आपके आईडी प्रूफ के बेसिस पे ही आपका आईडी कार्ड बनेगा। जो आपके आईडी प्रूफ पे जो नाम लिखा होगा उसके बेसिस पे ही आपका आईडी कार्ड बनेगा विप्रो का। उसके में उसका आपका एम्प्लॉय आईडी लिखा होगा, तो इस चीज की जरूरत आपको पड़ेगी। बाद में की एक और चीज है जो रिज्यूमे नंबर है। यदि कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको रिज्यूमे नंबर पता नहीं होगा, तो आपको मेल में आपका रिज्यूमे नंबर शो कर रहा होगा, या फिर आपको सुपर सेट आईडी भी लेके जाना है। सुपर सेट, ये सब चीज़ आपके मोबाइल में ही होगा, लेकिन ये सब चीज़ को याद रखिएगा। सुपर सेट आईडी और रिज्यूमे नंबर जो आपका है विप्रो के कम्युनिकेशन में बहुत ही काम आता है, कि जो भी चीज़, जो भी रेफरेंस जानना हो, जो भी मेल करना होता है, यदि आप रिज्यूमे नंबर के साथ मेल करते तो हो सकता है आपको एग्जैक्ट जो रिप्लाई होता है वो आ जाएगा। रिज्यूमे नंबर के साथ रिप्लाई नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो रिज्यूमे नंबर और सुपर सेट आईडी आप इसको याद करके रखिएगा। थर्ड पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं कि थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। थर्ड थर्ड में हमारा है फोटो। फोटो देखिए, फोटो आपको चाहिए एक पासपोर्ट साइज का, फोटो चाहिए। ये पासपोर्ट साइज का फोटो भी आपको अपने साथ कैरी करना है। इस फोटो पे आप ध्यान क्या रखिएगा कि ये फोटो आपका सेल्फी नहीं होना चाहिए, सेल्फी वाला फोटो नहीं चलेगा। और हो सकता है ना, मतलब कई लोग होते हैं ना मूड वाले, लोकेशन के अनुसार या फिर कहीं जाके फोटो खिंचा लेते हैं, तो वो फोटो भी नहीं चलेगा। आपको ये फोटो जो पासपोर्ट साइज का फोटो है एकदम पासपोर्ट साइज चाहिए, और बैकग्राउंड जो होना चाहिए बीजी, यानी बैकग्राउंड जो आपका होना चाहिए वो वाइट होनी चाहिए। वाइट वाइट बैकग्राउंड वाली फोटो आपको चाहिए पासपोर्ट साइज, जो आपको लेके जाना है वहाँ पे। तो ये तीन चीज है जिसका ध्यान आपको रखना है। और फिर क्या करना है कि इन सारी चीजों को आपको कैरी ऑन तो कर लेना, विप्रो ऑपरेटर आईडी कार्ड और फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। इसके अलावा कोई भी चीज नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि यदि आपका कुछ भी गड़बड़ हो जाए या फिर कोई भी चीज छूट जाए, इससे पहले आप ये चीज को अरेंज कर लीजिए, और अरेंज करने के बाद आप चले जाइए। पहले क्या होता था कि रिपोर्टिंग डेट पे आपका जो है 10th का मार्कशीट, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, एक से लेके 7 सेमेस्टर तक का मार्कशीट, 1 to 7 सेमेस्टर तक का मार्कशीट, फिर पासपोर्ट साइज 2 जीरोक्स कॉपी चाहिए था, इन सारी चीज़ों का 2 कॉपी चाहिए था। उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोर्स कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट, यानी यदि आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ तो कोर्स कम्प्लीकेशन सर्टिफिकेट, इन सारी चीज़ों का डिटेल पहले लिया आया था। ठीक, एक्चुअली होता क्या था, पहले वर्चुअल ऑनबोर्डिंग नहीं होती थी जिसके कारण लिया जाता था, लेकिन अब क्या है, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन हो चुका है और ये सारी डॉक्यूमेंट को आपने सबमिट कर चुका है, तो अब ये चीज़ ले जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसेंशियल होगा कि आप ले ही लीजिए तो सही रहेगा, बाद में की जरूरत भी नहीं है। आप यही तीन चीज़ को लेके चले जाइएगा, ये आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, यदि कोई भी चीज़ छूट जाता है तो हो सकता है आपकी ऑनबोर्डिंग डिले हो जाएगी, या फिर ट्रेनिंग लोकेशन पर रिपोर्ट करने नहीं दिया जाएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इतना रखते हैं और आगे बात करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हम बात करेंगे वो लैपटॉप को लेकर करेंगे, कि आपका लैपटॉप कैसे आएगा। देखिए, अभी ये लोकेशन पे आपको रिपोर्ट करना है तो लैपटॉप शिपमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, लैपटॉप शिप नहीं किया जा सकता है, तो आपको ना ये अपने ऑफिस से कलेक्ट कर लेना है, कलेक्ट फ्रॉम ऑफिस, ऑफिस से ही कलेक्ट कर लेना है। यदि आपने ऑफिस से कलेक्ट नहीं किया तो हो सकता है जो आपने आईडी कार्ड दिया होगा उस आईडी कार्ड के बेसिस पे जो एड्रेस होगा उस एड्रेस पे आपका चला जाएगा, यदि आपका वर्क फ्रॉम होम होगा तो। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, वर्क फ्रॉम होम किसी का भी नहीं है। हो सकता है जो आपके नाम पे लैपटॉप होगा वो दूसरे को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने ऑफिस से कलेक्ट कर लीजिएगा। दूसरा चीज़ बात कर लेते हैं कि
कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको अभी भी डाउट होगा कि हमारा जो है ऑफिस रिपोर्ट करने के लिए पीजी कैसे मिलेगा और हम अरेंज कैसे करेंगे ऑफिस रिपोर्ट। कई लोगों का पीजी और हॉस्टल वाला डाउट है। देखिए भाई, हॉस्टल और पीजी जो है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग आपको ये चीज विप्रो के द्वारा प्रोवाइड नहीं की जाती है, नॉट प्रोवाइडेड बाई विप्रो। ये चीज आपको ना खुद ही अरेंज करनी होगी और खुद ही अरेंजमेंट करना होगा। ये क्या होगा, सेल्फ सेल्फ अरेंज, आपको खुद अरेंज करना होगा। हाँ, ये जो है ट्रेनिंग के बाद आपकी जब ज्वाइनिंग होगी, मतलब किसी प्रोजेक्ट में एलोकेट कर लिया जाइएगा, फिर जो आपको रिपोर्ट करना होगा दूसरे लोकेशन पे, तो उस वक्त आपको 7 डेज का रहने का, खाने का, ये चीज का पैसा आपको मिलेगा विप्रो के द्वारा, जब लोकेशन शिफ्ट होगा तब, लोकेशन चेंज होगा तो। लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे आपको कोई भी चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। तो जो भी पीजी हो, हॉस्टल हो, आप खुद ही अरेंज कर लीजिएगा। जब आपकी प्रोजेक्ट हो जाएगी तो फिर मिल जाने के बाद क्लाइंट लोकेशन पे रिपोर्ट करना होगा। क्लाइंट लोकेशन रिपोर्ट करने के बाद ही आपको ये चीज़ जो है 7 डेज का जो है बोनस जो है, जिसको बोनस बोल सकते हैं, या फिर रहने खाने का खर्चा जो है आपको विप्रो के द्वारा दिया जाएगा, जैसा पहले मेल में भी आपको आ गया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रख लीजिएगा। बाद बाकी अगर कोई भी डाउट हो ऑनबोर्डिंग से, ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप रिस्पॉन्स पा लेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाद बाकी यदि कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम फेस करेंगे, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो, चाहे ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड हो, हायरिंग से अपडेटेड हो, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।